चलो बच्चों बात करते हैं। सर मेरे मेरा पीछे तो बहुत कुछ छूट गया है, एब्सेंट है। सारा चीज देखो, वीडियो सब है, सब ग्रुप पे वीडियो है, सारा वीडियो देखो। जिन बच्चों का, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं और जिन बच्चों का क्लास कुछ मिसिंग है, पीछे का छूटा हुआ है, वे बच्चे एप्लीकेशन का जो वीडियो है उस एप्लीकेशन के वीडियो पे जाएं और एप्लीकेशन के रिकॉर्डिंग में जितने भी क्लासेस हैं, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सारी चीजों का रिकॉर्डिंग है, आराम से आप बैठ करके देखिए। ये सारी फैसिलिटी है इस एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जितनी भी क्लासेज हुई है आप प्रॉपरली उसको देखेंगे और देख करके सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं गुडविल के थर्ड मेथड की। गुडविल का जो थर्ड मेथड है वो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग समझेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, सबसे फर्स्ट देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको हिंदी में बच्चों हम लोग पूंजीकरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पूंजीकरण विधि। जनरली ये जो मेथड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट जो अर्न करते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन करते हैं। प्रॉफिट जो अर्न करते हैं उसका क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन करते हैं। और कैपिटलाइजेशन करके क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बच्चों जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नोट करते चलेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड को दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको कैपिटलाइज करके हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो गुडविल का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इस गुडविल के कैलकुलेशन में हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड है बाय कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो गया? बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, और सेकेंड क्या हो गया? बाय कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट। नोट करें बच्चों इसको। ओके, अब एक एक करके हम लोग सभी मेथड्स को देखेंगे। पहले बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट देखेंगे और फिर देखेंगे बाय कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट। चलो वीडियो देख लेना। फर्स्ट बाई, साथ साथ नोट करो, बाई कैपिटलाइजेशन द एवरेज
प्रॉफिट, साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं साथ साथ नोट कीजिए। पहला मेथड बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी हम लोग प्रोसेस वाइज कैलकुलेशन करते हैं। नंबर वन, फर्स्ट प्रोसेस, जो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, वो पहला प्रोसेस हम लोग का होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आप जानते हैं, सबसे पहला क्या कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर टू, सेकेंड में हम लोग निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू सेकेंड में, प्रोसेस वाइज देखना है, प्रोसेस वाइज समझना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला देखिए, एवरेज प्रॉफिट, तब ध्यान से देखिए, डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, सबसे पहला क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। सेकंड क्या निकला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ओके, अब आइए प्रोसेस नंबर थ्री। प्रोसेस नंबर थ्री में क्या करते हैं? नेट एसेट्स निकालते हैं। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स बच्चों कैसे निकालेंगे? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। जानते हैं ऑल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स, आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो हम लोग को किसी बाहर वाले बिजनेस से बाहर के लोगों को देना है। नोट करते चलेंगे। ओके, हो गया यहां तक? यस सर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद, थर्ड के बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए तो यहां पे क्रॉस यहां पे दिखला देते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। सबको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेप फोर में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? इसका फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। नोट करते चलिए, फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड।
ओके। एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और करके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स ओके। नोट करें, एक और फॉर्मूला है उसको भी देखते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। जल्दी फटाफट से जितना जल्दी हो सके नोट कीजिए। हमारे पास कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से जब करेंगे गुडविल, तो हम लोग गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड ओके। एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, और नेक्स्ट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। हो गया बच्चों? यस ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, बस इस मेथड में उसके बाद क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकलेगा और सारी चीजें सेम रहेगी, कहीं से कुछ अंतर नहीं है, बस गुडविल का जो कैलकुलेशन है उसमें भी एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, और सारी चीजें जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट होगी। ओके, तो सिर्फ हम लोग क्या कर लेते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, और मैंने कहा कि सारी चीजें सेम रहेगी, कहीं से कोई अंतर नहीं है, बस अगर गुडविल के फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, देन उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद गुडविल। तो यहां जब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग करेंगे तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बस जल्दी से नोट कीजिए। ओके, अब बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा एवरेज का, और एक करवाऊंगा सुपर का, सुपर प्रॉफिट का, ठीक है, दोनों से आप समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एसके सिंह बुक का है,
इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्वेश्चन को पहले हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दैट मींस एपी, एपी कितना दिया हुआ है 12,000। ओके आगे बढ़िए। इसके बाद में कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपिटल इंप्लॉयड 80,000। ओके एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। ओके देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है, स्टेशन नंबर 13 एसके सिंह, ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। डायरेक्टली आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली पहले हम क्या कर, कैपिटलाइज वैल्यू को, कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस करते थे, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला में माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। गुडविल इज कर टू, क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। अब जो कैपिटल इंप्लॉयड है, जो हम ऑलरेडी पहले माइनस करेंगे एक स्टेप, तो मैं एक स्टेप कम करके क्वेश्चन बना दे रहा हूं, पहले तो माइनस करेंगे, पहले नहीं माइनस करके यहीं पे मैं माइनस कर दूंगा, क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। अब देखिए एपी कितना दिया हुआ है 12,000 डिवाइडेड, एनआरआर कितना दिया हुआ है 10% इंटू 100 माइनस 80,000। ओके कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 माइनस 80,000, वैल्यू कितना निकल गया 40,000 आपका कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू आ गई। कहीं से किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत, ओके क्लियर है? यस सर। ओके चैट भी कीजिए, चैट करके जवाब दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना। चलिए ठीक है, ओके किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कहीं से कंफ्यूजन? यस सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और आप क्या करते थे, आप इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी टोटल गुडविल के वैल्यू में से माइनस करते थे, या हम डायरेक्टली माइनस कर दिया, फॉर्मूला लिखिए कैपिटल इंप्लॉयड को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना 12,000 और डिवाइडेड 10 × 100 माइनस 80,000 आप कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आया वो आपका गुडविल निकल गया। कोई दिक्कत, सीखा? चलो ठीक है, ओके अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। ओके चलो बच्चों एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 17 एसके सिंह। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना 8,000। ओके एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। अब देखो कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 50,000। ओके ये सारी वैल्यू दी गई भी, हम लोग को क्या करना है,
गुडविल निकालना है किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट से। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो गौर से देखिए, सुपर प्रॉफिट जब आपको निकालना होगा तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। याद कीजिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता था, फॉर्मूला था ना सर जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एवरेज हम लोग का दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8000। हम लोग को निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 50000 इनटू एनआरआर कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 10% 10/100 जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 5000। अब आपके पास क्या क्या मिल गया, आपके पास बच्चों एवरेज मिल गया और नॉर्मल मिल गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाता है, एवरेज एपी माइनस एनपी। एपी कितना है 8000 माइनस 5000, कितना निकल गया सुपर प्रॉफिट 3000। अब बच्चों आपको क्या निकाल देना है, गुडविल, ओके। गुडविल जब आप निकालेंगे तब क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 3000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 इंटू 100, वैल्यू निकालेंगे कितना 30000, ओके। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो सीखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। जो आपका होमवर्क है, अभी देता हूं होमवर्क अभी आप लोग को,